अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको फिश में भी एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस मिलेंगे, जैसे पोली अल्कोहल, सॉर्बिटोल एंड ग्लिसरोल, और वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड्स एंड ग्लाइक, मैंने आपको कहा था पेप्टाइड्स भी मौजूद हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स आपको मिलेंगे फिश के अंदर, जिसमें फिश अपने आप को, वही टर्म दोबारा मैं यूज कर रहा हूँ, क्रायो प्रोटेक्टेंट कर लेगी। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड इन्वायरमेंट पे कोल्ड प्रोटेक्टर, ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टर जितने भी होते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन्स एंड प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स हैं जो, हाँ ये देखिए, दीज फिशेज ऑल्सो हैव प्रोटीन्स और प्रोटीन शुगर कंपाउंड दैट हैव स्टंट द ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट बिगिन टू फॉर्म। स्टंट का क्या मतलब है? स्लो डाउन कर देना। तो ऐसे फिश जो है वो स्लो डाउन कर सकती हैं, ये उनकी बात हो रही है, खास तौर पर जो फ्रेश वाटर फिश है। आम तौर पे ये वाली जो चीजें हैं ये मैरीन फिश को इतना फेस नहीं करनी पड़ती, मैरीन इन्वायरमेंट इंतहाई स्टेबल होता है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में गड़बड़ आती है। और ये आपके सामने है काउंटर करंट एक्सचेंज, इनमें भी मौजूद है। इस एक्सचेंज में काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर जो होता है ना, ये जो बहुत ज्यादा वेसल्स होती हैं, उस जगह को इनिशियली क्या नाम दिया गया? रीट मेराबाइल। ये रीट मेराबाइल क्या चीज है? ये मिरेक्युलस नेट है। मिरेक्युलस नेट मतलब बहुत ज्यादा वेसल्स जो हैं इसमें आपस में उनका गुंजल मौजूद होता है, बहुत ज्यादा वेसल्स का। और ये जो बहुत ज्यादा वेसल्स का गुंजल मौजूद होता है, इसका काम काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। इसको जो है वो समझने के लिए सबसे पहले हम फिश में एक दो चीजें जो है वो समझ लेते हैं। जैसे यहां पर जो है वो आप लोगों को फिश का क्रॉस सेक्शन, पूरी फिश की बॉडी का क्रॉस सेक्शन दिखता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ये सिलोम दिख रही है, व्हाइट मसल्स दिख रहे हैं, रेड मसल्स दिख रहे हैं। याद रखिए ये, और ये कौन से फिश है? दिस इज, दीज फिश आर मोस्टली बोनी। ये बोनी फिश जो है उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ज्यादातर उनमें होता है। इसको जो है वो समझने के लिए हम जरा ये देखते हैं कि ये जो व्हाइट मसल्स होते हैं और जो रेड मसल्स होते हैं, इनमें फर्क होता है खास किस्म, खास तौर पर जो मायोग्लोबिन का डिफरेंस जो है वो होता है रेड और व्हाइट फाइबर्स में, ठीक है। तो ये जो रेड मसल होते हैं, आमतौर पर किसी भी फिश के जो रेड मसल्स होते हैं वो उसके स्विमिंग मसल्स होते हैं। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये वो फिश हैं जो इंतहाई कोल्ड वाटर में स्विम कर रही हैं, लेकिन इनके जो स्विम मसल्स हैं वो इतने एक्टिव हैं कि लगता ही नहीं है कि ये वाले मसल कोल्ड हैं। क्योंकि आमतौर पे ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास तौर पे हेट्रोथर्म्स जो होते हैं, आमतौर पे इनकी बॉडी जो है बाकी बॉडी कूल डाउन होती है, कुछ बॉडी का हिस्सा जो है वो वार्म होता है। सो ये जो खास किस्म की ये जो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है? देखिए ये जो रेड मसल्स है ना, इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी होती है कि यहां से काफी ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब एटीपी प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली एटीपी जब जो है वो ब्रेक होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये देखिए कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि रेड मसल्स जो हैं, हमने अभी क्या कहा, इनमें एटीपी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और खास तौर पर इनमें क्योंकि ये मौजूद होता है मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, ग्लाइकोजन जो है खास तौर पर इनमें स्टोर किया जाता है, इनके अंदर जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड वगैरह स्टोर किए जाते हैं। सो अब ये जो मसल्स होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हार्ट से इनकी तरफ जो ब्लड आना है वो आना है आर्टरी के जरिए, और ऑब्वियसली जो ब्लड वापस जाना है वो वेन के जरिए जाना है। जो ब्लड हार्ट के जरिए आर्टरी से होता हुआ रेड मसल्स तक आ रहा है, जो हीट जनरेट कर रहे हैं, रेड मसल्स जो हैं ये हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात का इम्कान है कि क्योंकि आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर नजर आ रहा है, देखिए टेम्परेचर ग्रेड देखिएगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 25, 27, और रेड मसल्स में 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बात का इम्कान पूरा पूरा मौजूद है कि ब्लड आए, हीट गेन करे और बॉडी के कोल्ड हिस्सों तक ले जाए। तो रीट मेराबाइल क्या करते हैं, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस सही ना कर रहा हूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। जो आने वाला ब्लड है और जो जाने वाला ब्लड है, हीट किसके पास है? हीट उसके पास है जो इन मसल्स से गुजर के वापस जा रहा है, क्योंकि इन मसल्स में हीट जनरेट हो रही है ना, तो हीट तो हुई उस ब्लड के पास जो वापस जा रहा है। ऑब्वियसली वो ब्लड किसमें है?
वेन में। और कूलर ब्लड कौन सा है जो मसल की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से होके आ रहा है, पूरी बॉडी से होकर हार्ट से होकर वो ब्लड आ रहा है रेड मसल तक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हजरात कि ये जो रेड मसल्स हैं ये स्विमिंग मसल्स हैं और इनको रखना है गर्म, इनको हीट अप रखना है, इनको वार्म रखना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो जाता हुआ, हमने क्या करना है, फिश ये काम करती है, जो रिवर्स ब्लड है, जो वेन का ब्लड है, जो रेड मसल से हीट लेकर आ रहा है, वो काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए आर्टरी को हीट दे देगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले बीज में पढ़ा था कि आर्टरी का वार्म ब्लड किसको दिया जाता है, वेन को। यहां पर वेन में वार्म ब्लड है क्योंकि वेन रेड मसल से वापस आ रही है, वेन में वार्म ब्लड है, और आर्टरी में कोल्ड ब्लड है क्योंकि आर्टरी स्किन से होकर आ रही है या हार्ट से होकर आ रही है, तो आर्टरी में कोल्ड ब्लड है। लिहाजा अब जो एक्सचेंज होगा वो वंस अगेन होगा काउंटर करंट ही, लेकिन उसका पाथ होगा वेन टू आर्टरी, अब जो हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि हर वो एक्सचेंज जो दो ऑपोजिट फ्लूइड के दरमियान में हो, चाहे वो आर्टरी टू वेन हो चाहे वो वेन टू आर्टरी हो, लेकिन अगर वो ऑपोजिट वेसल्स के दरमियान में होगा तो वो काउंटर करंट एक्सचेंज कहलाएगा, और ये इस मिरेक्युलस नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है, और ये ह्यूमन में भी मौजूद होते हैं, जो रीट मिराबाइल की मैंने बात की आपको, जिसको गालबन में प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ। अब ये देखिए, यहां पर उन्होंने थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये इसमें जो है मौजूद हैं, ये इसके मौजूद हैं रेड मसल्स के अंदर, वेन्स और आर्टरीज मौजूद हैं, ठीक है। ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं इनके अंदर एक्सचेंज होता है काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है, और ये इस तरीके से हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं।